कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। गोरख मुर्मू ने तो यह नारा लगा था एकदम चारों तरफ हम घूम के देखा था। हाँ मतलब आज जी जो तरक्की देखत हुआ सबके, तो आज के आप आपके तो पहले गोरक्षनाथ बाबा की धरती पे स्वागत बा। तो यह है कि जब काम जब कैल गई बा तो आज लौकता और यहाँ पे मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का आशीर्वाद बाटे, तो आज अच्छा लग रहा है कि पूरी गाड़ी भी बताइए जरा एकदम पूरा एकदम देखा ये घूमा तो कुल जगह है। ये गाड़ी घूमी अभी पूरा, अब शुरुआत हो तो और पूरा कार्यालय आइए दिखाइए सबको कार्यालय। हाँ एकदम नया और गाड़ी लगा था है? ये अभी खरीदे हैं इसके लिए प्रचार अच्छा के लिए। दूटे गाड़ी एक संगे ले ला, एक इसी जी जिन्हें चलत हुआ एक घूमे बदे हैं। हाँ पूरा अभी और गाड़ी आई कहा कि एक बड़ा एक बड़ा माहौल बनाओ के। हाँ ये हमारा ये आवास के पास का कार्यालय, लोकसभा विधानसभा 3 दशकों बाद मिला महिलाओं को 33% आरक्षण। ये देखिए यहाँ दिखाइए 10 करोड़ उज्ज्वला योजना, इधर भी दिखाइए भाई। हाँ ये आपने सब लगवा दिया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं थी। और ये सबसे बड़ा है कि जो सदियों बाद प्रभु राम को अपना स्थान मिला, एक बहुत बड़ा सत्य, ये एक बड़ा भव्य है जो इससे पता चलता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो कितनी विराट है और कितनी सत्यता के साथ चलती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण साक्ष्य है कि कभी भी 3 करोड़ घरों में 70% मालिकाना हक महिलाओं को भी मिला है। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़कर अब 26 हफ्ते हो गया है। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से मिली महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। लोकसभा विधानसभा में 3 दशकों बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। तो ये जो सत्य है महिलाओं के जीवन हुआ आसान, 9 करोड़ परिवारों को मिल रहा नल से जल, 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर से, महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान, तो ये सारी चीजें हैं रवि भैया। लेकिन ये है कि बड़ा पसीना बहा पड़ा था, देखा थी हम सुबह रही से उठ के तुम एकदम जो है। हाँ मतलब पब्लिक फोन उठाना और सबका काम करना। अभी महाराज जी के साथ थे, पूज्य महाराज जी ही थे, उनके साथ भी बैठक की। रणनीतिक चुनाव को युद्ध की तरह लेते हैं और महाराज जी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अब चूंकि हम नए हैं तो हमको सब चीजों को बारीकियों से सिखाते भी हैं। लोकसभा विधानसभा में 3 दशकों से चल रही मांग पूरी हुई, मैंने कहा ना कि 33% महिलाओं को अब आरक्षण मिला। तो ये सारी सुंदरता है और यही सत्य है। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ ये आवास है, हमने यहीं अपनी कुटिया बनाई, यहीं रहते हैं, यहीं परिवार के साथ आ गए, हमारी पत्नी यही जमगल हुआ, यही जम गए। लेकिन हम एक चीज ये देखी ला कि महाराज जी के तोरे बारे में इतना खबर रहला बड़ा कम लोगन के रहला, हर जानकारी महाराज जी रखा ना और तो के बताओ ना बीच बीच में नहीं। हाँ, देखा वो जरूरी बाटे ना। एक 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 होता है गुरु, एक होता है कि आपके आपके मुख्यमंत्री, एक होते हैं कि ये सीट पर वो 5 बार वो माननीय सांसद रहे हैं। तो यहाँ की सारी कमी बेसी जितना वो जानते हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं। और यहाँ ये मंदिर की सीट है तो उनको चिंता ज्यादा रहती है कि कहीं कोई गलती ना। अच्छा तो मकान ले ला जबी वाला, तो महाराज जी की जानकारी हो गई कि रामगढ़ के सामने ताल के सामने जो है रवि किशन मकान ले लेना हुआ है, अपनी कुटिया बनाए हैं। तो वो तो उनके बता ही ला ना, उनके उनको हर चीज बताते हैं कि यहीं रहने लगे, उनको अच्छा लगे हमारा सांसद यहीं रहता है। नहीं यही चाहिए भी कि भाई जनता के बीच में रह के उनका अगर बात सुनो कैसे कि जब एक बात ही कहला कि भाई महाराज जी का सीट हो और महाराज जी ने सीट ये आपको आशीर्वाद के तौर पे दिया है तो एक तो मतलब हुई ना भाई आप पे आशीर्वाद है तबे तो। नहीं ये देखिए संगठन इसको तय करता है और हाँ, तो ठीक है संगठन है। जब भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2017 में हमको बुला के ज्वाइन करवाई थी तब प्रचार में हम लगे थे तो हम स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत हर आदमी में देश में तो के खोजत है इसमें। दिल्ली वाले कुल खोजत हूँ कि कहाँ कब आई है रवि किशन है। हाँ पूरा वो हाँ पूरा प्रेम बात। तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शक लोगन के मैं सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूँ और एकदम भोजपुरी अंदाज में बहुत कम सुनने के मिला कि कोई नहीं हमें ये बतावा सीनियर पत्रकार भोजपुरी में सवाल पूछे। नहीं हमें ये बतावा सिनेमा में काम करना और राजनीति में काम करना कितना फर्क हो। दोनों टफ है, आसान तो जीवन में कुछ नहीं होता। देखिए आसान होता है लेट के खाना खाना और मर जाना, लेट के खाना खाना और मर जाना। मेहनत करना है अगर कुछ पाना है तो आपको खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ही बतावा सिनेमा में हर आदमी देखा देखे बदे तोरे पीछे पीछे घूमत रहल है, जनता एक के सेल्फी लेला पूछा मत
है। अब यहाँ जनता के सवेरे से हम देखते हैं कि 50 फोन उठा ले लेता हूँ, है देखत वही हम देख ली कि भाई कोई बीमार होगा कागज लेके आयल वाला लेकर आके रखा हो के यहाँ जाए के बाद प्लानिंग करत हुआ नहीं, पूरा पूरा देखा ये यही तो सेवा नहीं, ये फर्क है मतलब दोनों में कितना उल्टा होगा। वहाँ जनता तोरे पीछे भागत हो, यहाँ जनता के पीछे रवि किशन जाते हो। नहीं जनता खुद आवला प्रेम करला और यही प्रेम है। एक फोन ले ले हमारा भैया, बहुत जरूरी है। जी जी जी, देखिए भाई सबसे खास बात यह है कि रवि किशन जी जो है जनता के बीच में है और यही लिए देखा यहाँ ले लूंगा अपन मकान और यहाँ पे परिवार भी ले ना, है ना, और परिवार ले ना काशी के परिवार को खुद ढेर सारा शिकायत रहा कि भाई हमें समय नहीं मिला था, अब यहाँ समय भी मिला था। तो ये बताइए कि ये जो काम है राजनीति का बड़ा कठिन काम है, परिवार के आदमी समय नहीं दे पाओ तो तू ऐसा कह ला कि भाई एक कुटिया बनौला परिवारों को बुला लिए। देखिए कहा कि हम जब यहाँ सांसद बन के आए तो हमारे पिता बीमार हुए और बीमारी में मैं उनके साथ नहीं रह पाया क्योंकि मैं यहाँ था। जी जी, कोरोना काल था और उस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर उनको जैसे अग्नि दिए तो अगले दिन पार्लियामेंट का सदन का पहला दिन था, वहाँ जाके हमारा कोई बिल पेश करना था तो वहाँ चले गए। फिर वही हुआ कि उसके उसी साल में दूसरे भाई बीमार हुए, उनके साथ भी नहीं रह पाए। ध्यान सब दे रहे थे, अस्पताल बढ़िया सब कुछ कर रहे थे लेकिन रह नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर 6 महीने बाद दूसरे भाई बीमार हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये हम ये राजनीति ये ऐसी दुनिया है कि यहाँ पर आप स्वयं को परिवार को परिवार के लिए नहीं है, सब समाज के लिए। यही इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि या तो राष्ट्र सेवा में आपको बहुत त्याग, अपना मेरा 33 साल का बनाया हुआ करियर बम्बई जिसको मैंने अपना एक साम्राज्य बनाया था, भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई, हिंदी सिनेमा वेब सीरीज सब में, उस पर भी तवज्जो ना देते हुए। अभी भी तो हर माहौल एकदम गर्म हो वहाँ वेब सिनेमा में है, क्या मामला लीगल वाला अभी अमन देख ली बड़ा एकदम ट्रेंड करत हो नेटफ्लिक्स पे। हाँ हाँ, वो सब महादेव की कृपा बीच में क्योंकि उसी वो सिनेमा ही ने मुझे यहाँ पर बनाया, तब वो के ना ही हम वो के बीच बीच में करीला ज्यादा शूटिंग गोरखपुर में करते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी शूटिंग अभी इधर पिक्चर की? 100 फिल्म की शूटिंग हो गई है। 150 मैं एकमात्र सांसद हूँ जो अपना बिजनेस लाके यहाँ लगा दिया तो यहाँ के कलाकारों को बहुत काम मिलता। अभी भी आप हमसे बात करें तो यहाँ शूटिंग हो रही है लेडी स्पेशल एक भोजपुरी फिल्म है। अच्छा, और ऐसे तो एक बात दो सब लोग हर क्षेत्र में यहाँ शूटिंग का माहौल बन गया, होटल की कतार है। तो पूज्य महाराज जी ने बहुत कुछ किया और उसके साथ पूरा चीजें मोदी जी ने यहाँ पर एम्स या फर्टिलाइजर तो एक 5-स्टार होटल से लेके बड़ा का रंगमंच यहाँ बहुत बड़ा हो गया, तो सारी चीजों को देख के यहाँ पर बहुत अच्छा है। मुझे बताइए कि सरकार के नेतृत्व में योगी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं, आपने अपने जो है सांसद निधि से भी बहुत सारे काम करवाए हैं, अभी आपके मन में ऐसा क्या है जो तू चाहत हो कि हो जाए हम जब दोबारा सांसद बनी? कैसे हर आदमी तो सपना देखा ला पब्लिक के लिए, है ना, तोरे मन में भी बहुत सारा इच्छा हुई कि नहीं हम जो ना पब्लिक के ही भी कह दें ही भी कह दें, कैसे जैसे इलाज के लिए अभी देख ली है इलाज के लिए पब्लिक तोरे की यहाँ अभी तक 14 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी हमको दे दिए इलाज के लिए। क्या बात है, अपने जब कोई उसमें हिंदू भी मुसलमान भी हर समाज है, गरीब है दलित समाज है पिछड़ा वर्ग है निषाद समाज है। क्या बात, महाराज जी ने भी पूज्य महाराज जी ने भी इलाज के लिए बहुत पैसे दिए, तो यहाँ पर कल्याण बहुत होता है। मेरे जाति धर्म से उठ के हमारी हमार कोनो भी चिट्ठी के कबो प्रधानमंत्री मना नहीं किए। क्या बात है, जो भी मांगा हमको हमेशा दिया गया, दिया और वो हमेशा मिलता गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये पार्टी, ये विश्वास है आपके ऊपर, ये विश्वास मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी सबके लिए करते हैं, ये मोदी जी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सांसदों के लिए विधायकों के लिए योगी जी, तो ये एक बहुत बड़ी सुंदरता है इस पार्टी की कि आपको कहीं पर जनता के सामने आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ता, आप जो मांगते हैं जनता की मांगों को तुरंत यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जनता बड़ी प्रसन्न है। रवि भैया ये बतावा कि जब तू सिनेमा में जाए सोचला तो तू एज ए गायक के रूप में जाए चाहत रहा या फिल्म एक्टर के रूप में? नहीं नहीं, मैं थिएटर रंगमंच का कलाकार था तो हम तो पूरा ट्रेंड है, क्या कहते ना कि छात्र हम सिनेमा के छात्र। अच्छा, हमने 33 साल इसकी पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई करके हम इसकी 750 पीएचडी होगा? नहीं पीएचडी नहीं होते, देखिए आदमी
मनुष्य कोई भी पीएचडी नहीं होता किसी भी क्षेत्र में, उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन वो पाता कुछ नहीं। ये ईश्वर का बहुत बड़ी लीला है, उसको लगता है कि वो विद्वान है, ज्ञानी है और संपूर्ण है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के इंसान शिकार होता है। ये अथाह सागर है ज्ञान का, ये आपको आखिरी सांस तक, जब तक आपकी मृत्यु की आखिरी सांसें नहीं लेते हैं तब तक आप इसको सीखते रहे। लेकिन आप उसको आनंद के रूप में जीते हैं। हम देखते तो वीडियो बड़ा वायरल हो गल, जब वो जलाए वाला में, मुर्दा जलाए वाला में जो उद्घाटन उतरल, तो कहला वो में आनंद लेवे का जरूरत। मैं पुजारी का लड़का हूँ तो हमारे हम लोग के घर की भाषा वा, तो पुजारी हम लोग मतलब मृत्यु तो सत्य है ना, तो उसको आनंद के रूप में ले, मृत्यु से डरना नहीं, उसको तो आना ही है। तो मृत्यु को लेके भय, डर, भूत प्रेत शैतान, ये सब डर भय हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि हम लोग, मेरे पिता बहुत बड़े विद्वान एक पुजारी थे, तो हम लोग उस सत्य को जान गए कि मृत्यु तो बहुत बड़ा सत्य है, तो उसके भय में नहीं जीना, उसको आएगी जब उसको आना होगा, वो आपको लेके चले जाएगी, उसको हंसी और खुशी से जीना, आनंद उसके हर पल को। तो ये जो जिंदा हो आप, सांस ले रहे हो, हमको देख पा रहे हो, हमसे बात कर पा रहे हो, दर्शक हमको देख रहा है, सुन पा रहा, एक एक क्षण को जो आनंद लेगा, इसको रस को लेगा जीवन का, ये प्रकृति की बहुत सुंदर कल्पना है और ये इसको जीतना चाहिए। और मैं कला में भी जब कला परफॉर्म करता हूँ तब भी उस किरदार को जीता हूँ, इसीलिए देश हमको बहुत प्यार देता है। हाँ, हर जगह मतलब एक्टिंग जैसा शब्द नहीं है, एक्टिंग नाम की कोई चिड़िया होती नहीं, बोले आओ एक्टिंग करो, वो तो आओ जियो। ये खाली एक कुछ लोगों ने अपनी फिलोसफिकल बातों को, अपने आप को दुनिया से अलग वर्ग में दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया कि एक्टिंग एंड प्रिपरेशन एंड ऑल दैट, तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड लिविंग, ये मतलब ऑब्जर्व करो, उसको घोटो, उस इंसान किरदार को पियो, समझो और उसके बाद जियो और उसको कैमरे में उतारो। तो अगर आप आम जीवन में, हम देखते हैं सबको आंखों से या चश्मा पहने रहते हैं, मकसद मैं चश्मा इसीलिए पहनता हूँ ज्यादातर कि मैं लोगों को पढ़ पाऊँ, और लोगों में कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है उसको अपने दिमाग में प्रिंट करता हूँ, फिर उसको मैं किरदार जब मिलता, वीडी त्यागी जो हिट हुआ, ये सब किरदार मेरे जीवन में आए, या तो लापता लेडीज में मनोहर जो पुलिस अफसर आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म थी, किरण राव जी ने बनाया, वो किरदार मेरा इतना हिट हुआ, या महादेव का गोरखपुर एक पहली भोजपुरी फिल्म है जो आज इस वक्त अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अमेरिका में लोग देख रहे हैं भोजपुरी और गोरखपुर को देख रहे हैं, हम भोजपुरी में बतिया होते हैं, हम कहा कि थोड़ा भोजपुरी में बातचीत कर ले ज्यादा आनंद। तो ये भैया इंडिया न्यूज यह आनंद हुई और ये बड़ा चली कहा है कि हिंदी भाषी जो भोजपुरी नहीं जाना ला, वो भोजपुरी सुना ला देखा ला, तो ये बहुत आपका ये इंटरव्यू बड़ा वायरल हुई। अच्छा ये बताओ रवि भैया, पहली तो ब्लॉकबस्टर पिक्चर कौन रल जौन तो के याद हो? हमारी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म पंडित जी बताए ना बिया का वही गौना हमार सैया हमार तेरे नाम सलमान खान के साथ, आर्मी शाहरुख खान के साथ, अनगिनत ब्लॉकबस्टर गर्दा मच गए एकदम, मतलब उसके बाद हमने पीछे हम पलट के नहीं देखे, सारी फिल्में मेरी हिट होती गई। तो कौन गाना हमें सुना दो? अरे गाना आप कहां पे आप गाना बस यह कहब कि जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े सावर ना गोर वाले हो फिर जे कबो ना रहल उ अब्बा। लेकिन रवि भाई इतना पॉलिटिकली मैच्योर आप हो गए हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि इतना परिवर्तन आखिर कैसे आ गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। परिवर्तन तो देखिए प्रकृति का नियम है, सब जानला, लेकिन इतना परिवर्तन, इतनी मैच्योरिटी, ये बड़ा भारी परिवर्तन है, ये किसके संगत का असर है? ये देखिए ये मोदी जी योगी जी का सत्य है, जब ये को था जब उसमें निस्वार्थ है कि पैसा कमाने आप यहाँ आए नहीं हो, यहाँ आप ठेका पट्टी करने आए नहीं हो, आप यहाँ कमीशन खोरी करने आए नहीं, आप गंदगी करने नहीं आए, जनता का पैसा जनता में पहुँचाना, आपके दो निस्वार्थ संत हैं मोदी योगी जी, उसी रास्ते पे आपको चलना, और जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो फिर आप में परिवर्तन आता है। वैसे अध्यात्म पहले से था, दुनिया का भजन नौजन इतना बढ़िया गाते हैं, मोह माया पूरा दुनिया का पहले से, धन दौलत पहले देख लिए, पूरे विश्व में नाम है हमारा, नहीं तकलीफ भी देख ले लो धन दौलत भी देख ले लो, पूरी दुनिया में नाम है, यहाँ हम बैठा ली पूरा विश्व जाना था, हम एगो सांसद ना ही गोरखपुर का, हमके विश्व जाना ला एगो कलाकार के रूप में, सांसद गोरखपुर वाले जानते हैं लेकिन विश्व जानता है कि एक अवघड़ कलाकार है जो हमको कई सालों से आनंद दे रहा है इस देश को, भोजपुरी इंडस्ट्री को बना के 1,00,000 लोगों को रोजगार देने वाला ये आदमी खड़ा है, अपनी इंडस्ट्री लाके गोरखपुर में खड़ा कर दिया, सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव करने वाला सांसद, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला, 486 से ज्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद, 10 प्राइवेट बिल लाने वाला सांसद पहली बार में,
ड्रग्स के इश्यू को उठाने वाला सदन में सांसद, अनगिनत सेवाओं में कोरोना काल में यहाँ घूमने वाला सांसद अपने क्षेत्र में, जहाँ विरोधी विपक्षी जो भी टिकट यहाँ मांग रहे हैं, डेमोक्रेसी ये मांगना अधिकार है या वोट मांग रहे हैं, लेकिन कभी कोई यहाँ खड़ा नहीं रहा। 5 साल में जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये सारी क्रिएटिविटी, अनगिनत केंद्र को चिट्ठियां लिखने वाला सांसद, पूज्य महाराज जी से अनगिनत चिट्ठियां लिख के धरती पर काम लाने वाला सांसद, तो ये सब जोन इतना कुछ विराट भइल बा, क्योंकि एक मिट्टी के घर से आदमी निकला था जो सेवा करने आया है, उसको पता है कि जनता की जरूरतें क्या है, उसको पता है कि इस वक्त होना क्या चाहिए, और वही सब है। आप भजन और मंत्र बहुत तगड़ा पढ़ते हैं। हाँ, पिता, पिता की देन है। हाँ बस, लेकिन मंत्र के साथ समापन हुई क्या? हाँ, लगा था अब मेरे पास फोन बहुत आता है। सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु योगी रवि किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं जीवन तू मैं कुछ नहीं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अभी पूरा देश जोन कहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फिर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। ये भाव जोनबा, वो भाव पूरे 100 करोड़ सनातनियों में जगा है, और सब लोग मोदी जी को एक निस्वार्थ संत की तरह देख रहे हैं, और उनको 400 पार के साथ तीसरी बार ला रहे हैं। थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है, $5 ट्रिलियन भारत हुई, $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश हुई, और एक ऐतिहासिक जो विकास का निरंतर जो गंगा बहतिया ये रुकी नहीं। गोरखपुर अभी आप जितना सुंदर देख रहे हैं अपने कैमरे से दिखाएंगे आज, ये और विराट होगा और विशाल होगा, ये सिर्फ 50% है। रवि आखिरी सवाल, जब तू राम के दिखला, जब मंदिर में गया लला दिखला, तो कैसा एहसास भेल? हम मंदिर अभी नहीं जा, अच्छा अभी नहीं जा पूला ना, बिकॉज हम लोगों को उस एक महीना नहीं जाना था। हाँ। और उसके बाद ये चुनाव के माहौल में आ गए, लेकिन हम परिवार को लेके 10-15 दिन में जाने का प्लान कर रहे हैं, सवेरे निकलेंगे। अच्छा, विचार हो कि 10-15 दिन में जो ना जाएंगे जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रवि किशन जिस परिवार से आते हैं, उसने जिंदगी में संघर्ष देखा, तकलीफ देखी, और उस तकलीफ के साक्षी बने रवि किशन। पिता पुजारी थे, पाठ करते थे, लेकिन इनको एक संस्कार देने का काम भी पिता ने किया, और वो आज भी झलकता है। रवि किशन कहीं भी हो, लेकिन समाज सेवा करना नहीं भूलते, अपनों को गले लगाना नहीं भूलते, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इंडिया न्यूज में भैया आज हमन है रवि किशन के साथ, और इनका चुनाव हो बहुत तगड़ा। एक और सवाल मर में रहा रवि भैया, लोग कहते हुआ कि तू बहरे से आल हुआ, ये कौन सवाल है? नहीं नहीं, बाहर मामखोर जिनको नहीं मालूम, हम लोग शुक्ला गर्ग गोत्री हैं। हाँ। यही बगल में मामखोर खकाईश खोर, पूरे दुनिया में जितने गर्ग गोरी गर्ग गोत्री शुक्ल हैं, हम लोग इसी माटी, हम अपने पर बाबा की धरती पे। अब वो सबके यार गोरखपुर समझाना बड़ा मुश्किल है, मालूम पड़ गई सब पड़ गई, वो तो पिछले चुनाव में बगले में, तो भाई हर से बगले में। हाँ हाँ, बांस गाँव बढ़लगंज में हमने। चलिए रवि भैया, आपको बधाई, हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे, और राजनीति देखिए इतनी आसान तो नहीं होती है, जो लगातार लगा रहता है वही राजनीति में विजय का पताका फहराता है। दीपू और सुशील के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज गोरखपुर उत्तर प्रदेश।